जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद ही जुड़ी सूचना है। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक साझा जरूर करेंगे। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर के तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऑर्डर निकाला है। हालांकि ये ऑर्डर पहले भी निकाला गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस ऑर्डर को एक बार फिर से जो है वो निकाला गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये नया ऑर्डर जो है ये आज ही के दिन निकाला गया है। कुछ मिनट पहले ये ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर में जो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें ये बताया था कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सरकारी मुलाजिम काम कर रहे हैं उन्हें मंथली बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है हर महीने महीने अपने ऑफिसर्स को सबमिट करनी होगी, सरकार को सबमिट करनी पड़ेगी, जिसके लिए एक वेब पोर्टल का भी जो आविष्कार है, वेब पोर्टल जो है उसको भी लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है। इस ऑर्डर में ये ऑर्डर निकाला गया है जम्मू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि GAD के द्वारा, सिविल सेक्रेटरी JNK। सब्जेक्ट लिखा गया है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पोर्टल रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर है 174JK GAD ऑफ 2022, डेटेड है 17/2/2022। इट इज हेयर बाय ऑर्डर डेट जितने भी इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो सरकारी महकमे हैं जिसमें PSUs हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सबको अपनी मंथली अचीवमेंट परफॉर्मेंस जो है वो JNK एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग पोर्टल जो है https://epm.jk.gov.in पर जो है हर महीने 7 तारीख से पहले पहले अपलोड करनी होगी, और ये मार्च 2022 से लागू हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ एक महीना महज बाकी है। और साथ में ये भी लिखा गया है कि जितने भी रिव्यूइंग और कंट्रोलिंग ऑफिसर्स रहेंगे वो रिव्यू करेंगे सेल्फ असेसमेंट, जितने भी इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स रहेंगे बाय 15th of every month, यानी कि आपको 7 से पहले रिपोर्ट को सबमिट करना है अपनी परफॉर्मेंस इंडेक्स को। उसके बाद आपका जो कंट्रोलिंग ऑफिसर रहेगा वो 15 तारीख से पहले पहले सेल्फ असेसमेंट जो है उस रिपोर्ट की लेगा, फिर वो सबमिट हो जाएगी। और ये ऑर्डर जो है जम्मू एंड कश्मीर का निकाला गया है, और मनोज द्विवेदी जो हैं उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है। ये ऑर्डर मेरे हाथ में, ऑर्डर की कॉपी समय आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और ये ऑर्डर मनोज कुमार द्विवेदी जो IAS हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, उनके द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया है। अच्छे से इस ऑर्डर को पढ़िएगा, और तमाम सरकारी जितने भी मुलाजिम हैं उन तक इस ऑर्डर को शेयर करना अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप लोग इस ऑर्डर को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जा सके। एक पहल है सरकारी कर्मचारियों के लिए और लोगों के लिए कहूंगा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एक पहल कर रही है कि अब जम्मू कश्मीर के जितने भी विभाग हैं, जितने भी सरकारी महकमे हैं, इन सभी महकमों के अंदर अब जो ऑफिसर हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनका सेल्फ असेसमेंट लिया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए। दरअसल कई महकमे ऐसे हैं जिनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो लोग करते हैं कि ये ऑफिसर ड्यूटी पर नहीं आते, ये ऑफिसर अपनी ड्यूटी से नजर जो है वो गायब रहते हैं, ये हमारा काम नहीं करते। हम कई बार चक्कर लगा चुके हैं लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं ये अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते। इसी के मद्देनजर अब एक वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ताकि पारदर्शिता हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि इंसान जो है, जो सरकारी मुलाजिम है, वो अपनी ईमानदारी से और ऑनेस्टी से काम करे। अगर उसको सरकार तनख्वाह दे रही है तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए काम जो है वो किया जाना चाहिए। इसीलिए कोई पार्टिकुलर महकमा जो है उसको नहीं चुना, बल्कि जितने भी महकमे जम्मू कश्मीर UT के अंदर हैं उन सभी को चुना है। उनके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, उन सब की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है हर महीने का जायजा लिया जाएगा कि एक महीने में उन्होंने क्या कुछ किया, कितने रिपोर्ट्स बनाई, कितनी फाइलों को चेक किया, क्या कुछ किया, वो तमाम चीजें, वो तमाम डाटा इस पोर्टल पर चढ़ाना पड़ेगा। और हर महीने 7 तारीख से पहले पहले ये तमाम चीजें जो हैं आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, जो वेब पोर्टल मैंने आपको मेंशन किया है। इसके अलावा जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर रहेगा वो 15 तारीख से पहले पहले क्रॉस चेक करेगा कि वाकई में वो रियलिटी है या नहीं भी है। उसके बाद चीजों को जो है वो सबमिट किया जाएगा और आपकी मंथली रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। यानी कि अब आप महीने भर क्या करेंगे, सरकार अपने ऑफिस से बैठकर आपके ऊपर निगरानी जो है वो रखेगी। सरकार के इस फैसले को आम जनता किस तरीके से लेती है आप अपने रिकमेंड बॉक्स में रखिएगा।
बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। इतने लोग के साथ शिवम लंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए जय।